आयोग के सदस्य ने कहा, दरिंदों को जान से मार दो। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ की गई घिनौनी वारदात और फिर बेहशियाना तरीके से और हत्या को लेकर प्रदेश के दलित समुदाय में रोष व्याप्त है। SC ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान द्वारा पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा गया है। SC ST आयोग की सदस्य एवं भाजपा नेत्री गीता प्रधान का कहना है कि इस तरह की घिनौनी हरकत वारदात करने वालों को ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए और उनका कत्ल कर देना चाहिए। गीता प्रधान द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर काफी सख्त है, लेकिन पुलिस और प्रशासन अभी भी सपा बसपा की मानसिकता पर काम कर रहा है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी दोषी है उनको ऑन द स्पॉट मार दिया जाए या उनका कत्ल कर दिया जाए। मैं अपनी सरकार से मांग करती हूं कि इसमें जो भी दोषी पुलिस कर्मी है उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि योगी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान पर जोर दे रही है, लेकिन कुछ ओछी मानसिकता वाले लोग सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बेटी को इंसाफ मिले इसको लेकर उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया और पीड़ित परिवार को राहत देने की सरकार से उनके द्वारा अपील की गई है। मैं चाहती हूं कि इस तरह के अपराध करने वाले सलाखों के पीछे जाएं या उनको मार दिया जाए। जी साध्वी जी, आप ST ST आयोग की सदस्य हैं, हाल ही में हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ घटना हुई है, इसको लेकर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, सबसे पहले क्या चाहती हैं आरोपियों को किस तरीके की सजा होनी चाहिए? बस मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसे दरिंदों को ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि किसी बहन बेटी के साथ ऐसी निंदनीय घटना ना हो। आज जो घटना हुई है पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और पूरा देश उस बेटी और उस परिवार के साथ है, और मैं शासन प्रशासन से प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि उस बेटी को बहुत जल्दी से जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी दरिंदे जेल के अंदर हैं उन्हें ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए और जो बाहर है उसको भी पकड़ के बहुत जल्दी उसका कत्ल करो और फांसी की सज़ा सुना के उस बेटी को आत्मा को शांति तभी होगी जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी, उन्हें जिंदा जला देना चाहिए। जैसा कि समाज में एक आक्रोश है कि एक जो है दलित बच्ची है, उसके बाद जो है प्रशासन ने 14 दिन तकरीबन 4 से 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज करा है, इसको लेकर प्रशासन के क्या भूमिका रही है, क्या डिमांड? हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन पुलिस प्रशासन की इसमें ढील है। मैं पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती हूँ कि आज भी पुलिस प्रशासन की मानसिकता सपा बसपा कांग्रेस जैसी है। अगर पुलिस प्रशासन इस घटना को संज्ञान में ले लेता तो आज वो बेटी मौत के घाट नहीं उतरती। इसलिए पुलिस प्रशासन ने इसमें जो है ढील बरती है। पुलिस प्रशासन, जो भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो है प्रधानमंत्री महिलाओं को सुरक्षा की बात कहते हैं, लेकिन इस तरीके से एक घटना हुई है उसके बाद उस लड़की को इलाज सही ढंग से नहीं मिला, उसके बाद उसकी मौत हुई है, पूरे देश में एक आक्रोश है, इसको लेकर क्या? हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा कर रही है, लेकिन फिर हम एक बार आपसे कहेंगे कि ये पुलिस प्रशासन की ढील है और इस घटना का जिम्मेदार केवल और केवल पुलिस प्रशासन है। जो जिन लोगों की लापरवाही है प्रशासन की, उस पर क्या किस तरीके की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? जिन लोगों ने इसमें लापरवाही की है, जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कानून कार्रवाई होकर उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, और ऐसे लोगों को नौकरी करने का पुलिस की कोई अधिकार नहीं है, उन्हें घर बैठा के और अपने घर पे अपने परिवार की सेवा करें वो लोग, वो इस लायक नहीं है।